गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी एंगल थीटा के ऊपर जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उस केस के अंदर हमने सभी केस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसके अंदर क्या करते हैं कि सपोज कर लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपकी, ठीक है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल है थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहां से कोई प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं किसी वेलोसिटी लेट्स से यू से। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा, ये ऐसे करते हुए जाएगा जी इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पे स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको वही चीज तीनों चारों चीजें फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सभी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये, लेकिन जब आप हम करेंगे इसको तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। ये भी 2D मोशन का ही केस है आपका। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, इसमें आपकी एक्सिस डिफरेंट रहेगी। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी आपकी। अभी आपको क्या पता है कि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है थीटा, और ये किसी यहां से कोई प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया। सपोज कर लीजिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल हमने जो थ्रो किया है ये किसी एंगल अल्फा से थ्रो किया है, और ये एंगल अल्फा किसके साथ है, इंक्लाइन प्लेन के साथ। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए, क्या सपोज किया हमने कि एंगल अल्फा से ये प्रोजेक्टाइल हमारा थ्रो कर दिया है विद स्पीड यू, और ये एंगल अल्फा किसके साथ है, इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जब हम जो डायरेक्ट केस करते थे, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से जब हम थ्रो करते थे तो वहां पे क्या मान लेते थे कि एक तो हमारी एक्सिस हो गई ये वाली एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस हो गई ये वाली वाई एक्सिस। ठीक है, और ये एंगल यू है, ये एंगल यहाँ, वहां पे हम थीटा मान लेते थे, तो ये क्या हो जाता था, यू कोस थीटा, और ये क्या हो जाता था आपका, यू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता था जी, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जीरो होता। ठीक है, ये चीज आप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपकी जो एक्सिस है, जैसे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते थे, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाली जो एक्सिस है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, और इसके साथ परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, इंक्लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो लग से ये एक्सिस है जो कि इंक्लाइन प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है, इसको हम मान लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अलोंग द इंक्लाइन मैंने एक्स एक्सिस मान लीजिए मान लिया, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इंक्लाइन से उसको मैंने मान लिया क्या, वाई एक्सिस। तो बेटा अभी हम क्या देखेंगे, एक तो मोशन देखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस जो कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, और एक मोशन हम देखेंगे अलोंग द वाई एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है आपका इंक्लाइन प्लेन से। तो बेटा अभी हम देखते हैं कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे। अगर मैं बात करूं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपको पता है कि ये मेरा यू है और ये एंगल अल्फा बना रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये वाला इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका, यू कोस अल्फा, क्योंकि इस एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा यू कोस अल्फा, और इसके जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या आ जाएगा आपका, यू साइन अल्फा। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं किया बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं और ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं, तो जब हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो मैंने क्या मान लिया, एक एक्सिस तो अलोंग द इंक्लाइन मान लिया एक्स एक्सिस, एक उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लिया, ये यू वेलोसिटी है थी प्रोजेक्टाइल की, इनिशियल वेलोसिटी थी यू जो एंगल अल्फा बना रही थी इंक्लाइन प्लेन से स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस जो देखा कंपोनेंट ले लिया वेलोसिटी का, वो यू कोस अल्फा हो गया, अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस जो मेरा कंपोनेंट हो गया वो मेरा क्या हो गया, यू साइन अल्फा। ठीक है, अभी बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन का। तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन हमारा एक्ट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन के भी हमको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसका भी हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसका कंपोनेंट हम कैसे लेंगे, तो बेटा इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस जी को यहां पे बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जी हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया,
यहाँ पे क्या करिए, इस पर जो प्लेन है हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन आपको सी बात है कि ये जो एक्सिस है ये हमारी वाई एक्सिस का लोग एक्ट हो रही होगी, ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे पूछा कि ये वाला एंगल क्या होगा आपका, तो यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे ये वाला एंगल, तो आपने मैथमेटिक्स की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, ये हमारी पूरी ट्राइंगल बन गई, ये पॉइंट ओ मान लीजिए इसको ओरिजिन, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या है बेटा 90 माइनस थीटा, अभी आपको पता है ये परपेंडिकुलर है इसके, इस प्लेन के, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा बेटा। देखिए ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, यहां पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं आगे तो ये वाला एंगल कितना बच गया बेटा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो आपका बच जाएगा 90 माइनस थीटा वाला एंगल बच जाएगा आपका ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल यहां तक कितना है आपका 90 है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये हो गया, तो आपको सी बात है कि 90 होने के लिए ये एंगल क्या होना पड़ेगा आपका थीटा होना पड़ेगा, तभी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा आपका 90 होगा, ओके। आपको किसी और मेथड से अच्छा लगता है तो उस मेथड से आप करके देख लीजिए, आपका ये एंगल कितना आएगा थीटा आएगा बेटा, ओके। अभी इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमको इस जी के कंपोनेंट लेने हैं, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है और एक ओरिजिनल डायरेक्शन में, अलोंग द दिस एक्सिस अगर मैं लेना चाहूं तो बेटा जो आपका जी का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि कोई फोर्स था, जैसे कर ले एक, अगर ये एंगल यहां से एंगल थीटा बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो आपका फोर्स का कोस टर्म या इस साइड आएगा कोस टर्म, और परपेंडिकुलर साइड में आपका साइन टर्म आएगा, ये मैंने आपको बताया था। यहां से एंगल थीटा बना रहा है तो अलोंग दिस एक्सिस आपका जी कोस थीटा आएगी टर्म, इसके परपेंडिकुलर अलोंग दिस एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर यही तो हुआ आपका अलोंग द प्लेन, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर आपका, तो अलोंग दिस एक्सिस आपका क्या कौन सा टर्म आएगा जी साइन थीटा। तो बेटा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया ताकि आपको एंगल के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि आपके एंगल कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा एंगल कहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो बेटा जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा इस प्लेन का, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब आपने खींचा तो ये जो एंगल बना रहा है जी परपेंडिकुलर के साथ एंगल थीटा बना रहा है, अगर मैं जी का कंपोनेंट इस एक्सिस का अलोंग लूंगा तो आपका आएगा जी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो आपका क्या आ जाएगा जी साइन थीटा, ओके। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू, अभी बिल्कुल इजी हो गया, अभी आपको इतना अगर आप कर पाए हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को पूरे को समझना। तो अगेन वही करेंगे हम, अलोंग द एक्स एक्सिस देखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस देखेंगे और अलोंग द वाई एक्सिस देखेंगे, अलोंग द वाई एक्सिस देखेंगे। तो बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने पूछा आपसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है हमारी यू कोस अल्फा। मैंने आपसे पूछा अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है, तो बेटा इस डायरेक्शन को देखिए एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक डायरेक्शन को मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है इस एक्सिस के अलोंग, तो जब आपने जी के कंपोनेंट किए तो ये तो परपेंडिकुलर आ गया जी कोस थीटा, और अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सा कंपोनेंट आया जी साइन थीटा, तो अभी आप देख रहे हैं यू कोस थीटा तो ऊपर की तरफ आ रहा है और जी साइन थीटा आपका नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो जो एक्सेलरेशन आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या आएगा यहां पे बेटा माइनस जी साइन थीटा आएगा, माइनस जी साइन थीटा, और थीटा क्या है एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, एंगल अल्फा क्या है इट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द इंक्लाइन प्लेन, ओके। अब इससे पहले बेटा वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस में ये हमारी वाई एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के, तो अलोंग द वाई एक्सिस अगर मैंने आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या है तो आप कहेंगे यू साइन अल्फा, अभी मैं इस डायरेक्शन को ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ नीचे की तरफ मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछा बेटा ऊपर की इसमें अलोंग द वाई एक्सिस, तो आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, और क्या एक्ट हो रहा है आपका जी कोस थीटा है ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस में लिख सकता हूं आपका माइनस जी कोस थीटा,
ओके सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। तो सब सीधा सा हमने क्या किया है यहां तक, हमने वेलोसिटी ली, वेलोसिटी के बाद हमने एक एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन क्या मान लिया, हमने एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया। वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट निकाल दिया अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, यू कोस ये आ जाएगा आपका क्या, यू कोस अल्फा अलोंग द एक्स एक्सिस और यू साइन अल्फा अलोंग द वाई एक्सिस। उसके बाद हमको देखना था एक्सेलरेशन कैसे एक्ट हो रहा है, तो आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो ना तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है ना ये वाई एक्सिस अलोंग एक्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी कंपोनेंट ले लूंगा। तो मैंने कैसे कंपोनेंट लिए, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये मैंने इसके परपेंडिकुलर खींच दिया इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अलोंग द इसके परपेंडिकुलर मैंने खींचा, तो ये जो एंगल आया जी का परपेंडिकुलर एक्सिस ये मेरा आ गया एंगल थीटा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये कंपोनेंट आ गया जी कोस थीटा, ये कंपोनेंट आ गया जी साइन थीटा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ एक डायरेक्शन को नेगेटिव। तो अलोंग द एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ लग रही है तो नेगेटिव ले रहा हूँ। तो बेटा आपका जो यू था वो पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा था, तो यू कोस अल्फा इसको पॉजिटिव ले लिया, जो एक्सेलरेशन था वो यू कोस अल्फा नीचे की तरफ आपका लग रहा था, दैट इज व्हाई आई टेक इट एज नेगेटिव माइनस जी साइन थीटा। सिमिलरली अलोंग द वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, अलोंग द वाई एक्सिस मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ सारी चीजें पॉजिटिव, और इसके अगर नीचे की तरफ है तो मैं क्या ले रहा हूँ सारी चीज नेगेटिव। तो यू साइन अल्फा आपका ऊपर की तरफ है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, ऐसे समझ वाई एक्सिस अगर मैंने देखा तो नीचे की तरफ लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया माइनस जी कोस थीटा, इसको मैं ले लूंगा नेगेटिव। बस यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद काम बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। ओके अभी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टाइम थ्रू विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। कितने टाइम तक हमारा प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर रहता है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू है यू वाई टी प्लस हाफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि अलोंग द y एक्सिस की वजह से ही इसी वेलोसिटी की कंपोनेंट की वजह से ही आपका एक टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, ठीक है, इसी की वजह से भी ऊपर जा रहा है उसी की वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो y कंपोनेंट की वेलोसिटी इसी की वजह से क्या आ रहा है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से तो इस कंपोनेंट की वजह से तो ये दूर जा रहा है इससे, इस कंपोनेंट की वजह से ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ओके तो बेटा जब ये वापस यहां पे आ जाता है, अगर मैं आप देखिए अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, सपोज कर लीजिए पार्टिकल आपका कहीं यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे आपका कहीं पार्टिकल है, मैंने आपसे पूछा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहां से इसके जो इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और आप देखेंगे हाँ कि ये वाला जो इतना डिस्टेंस है ये है क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर बेटा मैंने आपसे पूछा कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है इस पॉइंट के ऊपर है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन अलोंग द वाई एक्सिस आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और आप देखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने हमारा ट्रेवल किया है। ओके सिमिलरली अगर पार्टिकल आपका इस पॉइंट के ऊपर है जो कि लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का, तो आप अगर डिस्टेंस नापेंगे अलोंग द वाई एक्सिस तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है, राइट, अगर इस पॉइंट के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल आपका यहां से स्टार्ट होकर वापस यहां पे आ जाता है इस पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, वो आपका होगा क्या जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यू आई आपका मैंने दे रखा है वो क्या है आपका यू साइन अल्फा है, ए वाई आपको दे रखा है जी कोस थीटा है, तो एक्स वाई आपको पता चल गया है एक्स वाई क्या है आपका जीरो है। ये सारी वैल्यू जितनी भी है ये आपकी यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस जीरो आ गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा यू साइन अल्फा, और जब पार्टिकल यहां पे आ जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टी की जगह क्या यूज करूंगा मैं कैपिटल टी यूज करूंगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या है बेटा माइनस जी कोस थीटा,
और टी स्केयर को दिखाएं, मैं कैपिटल टी स्केयर यूज कर रहा हूं। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, इसको मैं इस साइड नीचे सोल्व कर रहा हूं बेटा, यहां पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो ये आपकी नेगेटिव टर्म है, ये दूसरी साइड जाके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपकी आ जाएगी क्या, जी बाई टू कोस थीटा टी स्केयर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। तो बेटा टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके, टी स्केयर, तो यहां से टी स्केयर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टी बच जाएगा आपका, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका जो आएगा यहां से वो बेटा क्या आ जाएगा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा आपका, टू यू साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा, तो ये आपका आएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यार इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, टू यू वाई बाई जी होता था, एसेसन अलोंग द वाई एक्सिस, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द एसेसन अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहां पे आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट एस यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा है अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टू यू साइन अल्फा, और ये क्या था जी, ये जी उस टाइम पे तो पूरा जी था आपका, एसेसन था अलोंग द वाई एक्सिस, यहां पे आपका एसेसन क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, जी कोस थीटा है, तो जी कोस थीटा है, तो देखिए यहां से भी आपका सेम ही आंसर आया है, टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। ओके, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल दिया है विच इज टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, इसके बाद हम निकालेंगे आपका, फाइंड आउट करेंगे आपका मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द पार्टिकल क्या हुई, ठीक है, ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ऑन द इंक्लाइन प्लेन हमको निकालना है। तो बेटा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका मैक्सिमम हाइट, तो इसको मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, जी कोस थीटा, ये है आपका यू साइन अल्फा, सॉरी यू कोस अल्फा, और ये वाला जो टर्म थी ये थी आपकी जी साइन थीटा। ओके, तो ये वाली जो हाइट है ये है आपकी क्या, एच मैक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन बेटा वही वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट आप लेंगे, जब आप ये इस पॉइंट के ऊपर होंगे, मैक्सिमम हाइट के ऊपर होंगे, तो आपका केवल और केवल ये कंपोनेंट होगा, देखिए वेलोसिटी आपकी केवल इस डायरेक्शन में होगी, तो द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगी बेटा, आपकी जीरो होगी, तो उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो है ये मैंने ऊपर लिख दिया आपका, यहां पे इसका फाइनल एक्सप्रेशन टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा, और मैं अभी इसको कर रहा हूं रब, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट को, उसके बाद यहीं पे मैं आपका, क्योंकि ये कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बना चुके हैं तो ये कंपोनेंट बाद में भी आपके यूज होने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो बेटा मैक्सिमम हाइट भी किस डायरेक्शन में है, अलोंग द वाई एक्सिस है मैक्सिमम हाइट आपकी ये, तो आपका क्या निकालना है आपको, सेकंड इक्वेशन फिर से हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, उससे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस। ओके, अभी वी की जगह हम यूज करेंगे वी वाई, क्योंकि सारी चीजें हम वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, तो जब मैक्सिमम हाइट पे आपकी अगर मैं पूछूं वी वाई वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो आपकी क्या होगी बेटा, जीरो होगी, तो ये वेलोसिटी आपकी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी लिख दी है मैंने यू साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एचएसएन अलोंग द वाई एक्सिस क्या है बेटा, माइनस जी कोस थीटा, माइनस जी कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस वो क्या है आपका एच मैक्स, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, फाइनल एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी कोस थीटा।
ये आपका आ जाएगा क्या, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो सेकंड चीज हमने फाइंड आउट कर दी। अभी थर्ड चीज हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज काफी आपका इजी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, यहां से यहां तक की पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का भी बेटा मैं साइड में लिख रहा हूं आपका एक्सप्रेशन, एच टाइम ऑफ फ्लाइट का लिख दिया है हमने, एच मैक्स का एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिख दिया है आपका, यू स्केल साइन स्केल अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा। ओके, अभी थर्ड हमको क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। आप लोग इसको लिख लीजिए। तीसरा हमको फाइंड आउट करना है क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज r, तो आपको पता चल गया होगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज की डायरेक्शन में है अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपकी पूरी यहां से यहां तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमको निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इनिशियल वैल्यू थी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। और जब बेटा यहां से यहां तक पार्टिकल पहुंचेगा तो आपका टी की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका एस एक्स हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। यू एक्स आपको दे रखा है, और जो स्मॉल टी है जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक, वो आपका हो जाएगा क्या, कैपिटल टी के बराबर। ओके, यू एक्स और ए एक्स आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा तो आपकी आएगी, वो क्या आ जाएगी आपकी, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कोस अल्फा इंटू टी, और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि एक्सिस की जो वैल्यू है वो माइनस जी साइन थीटा बेटा, तो मैंने ऑलरेडी वो भाग ले लिया है, ये आपका हो जाएगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता चल गई, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी यू कोस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। आप चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन आएगा वो काफी लेंथी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ये तीनों चीज आपको पता चल गई है, आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखने हैं, आपको जो चीज याद रखनी है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ताकि जब आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो आपको पता हो कि कैसे हैंडल करना है इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं करने हैं, आपको केवल एक्सप्रेशन अगर याद करने हैं तीनों चीज़ों के, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के, तो जो फर्स्ट केस जो हमने करवाया है, व्हेन द पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, वही एक्सप्रेशन तीनों याद रखने हैं, ये वाले एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रखने हैं। ओके ओके बेटा, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो ये तो आपका एक केस है बेटा, जब आपका जो तो पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल इज बीइंग थ्रोन अप द इंक्लाइन, जब ऊपर से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं तब आपका ये केस है, ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, जैसे यहां से हमने थ्रो किया तो ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। एक और केस क्या हो सकता है बेटा, एक और केस इसी में हो सकता है कि मतलब पार्टिकल, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डाउन द प्लेन, नीचे की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो उस केस में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, तो वो चीज और अभी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं। व्हेन द पार्टिकल इज थ्रोन, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, तो बेटा थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, वो आप देख लीजिए, वो नोटिस कर लीजिए आप क्या डिफरेंस आएगा। तो सपोज कर लीजिए ये हमारी इंक्लाइन प्लेन है, नीचे की तरफ बना देता हूं इसको, और यहां से कोई प्रोजेक्ट आएगा हम थ्रो कर रहे हैं।
ओके सपोज कर लीजिए जो इंक्लाइन का एंगल है ये हम स्टैंडर्ड मान के चल लेते हैं ये थीटा है और आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो एंगल अल्फा बना रहा है इस प्लेन के साथ। ओके तो अगेन वही चीज हम करेंगे इस डायरेक्शन को क्या इस डायरेक्शन को कंसिडर कर लेंगे एक्स डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी इंक्लाइन की उसको हम मान लेंगे क्या बेटा वाई एक्सिस। तो अभी ये अगर मेरा यू है तो यहां पे इस डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा यू कोस अल्फा टर्म आ जाएगी आपकी और इसके परपेंडिकुलर क्या टर्म आ जाएगी आपकी यू साइन अल्फा। ठीक है अभी बेटा मैंने आपसे पूछा एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा तो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो इसके क्या करूंगा मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो किससे है जो इंक्लाइन जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन खींची मैंने और सपोज कर लीजिए ये वाला एंगल कितना आएगा जब आप बेटा फाइंड आउट करेंगे तो अफकोर्स बात है ये 90 ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा तो ये वैल्यू है क्या जी की। तो बेटा इस डायरेक्शन के अलोंग आपका जी की वैल्यू जो कंपोनेंट आएगा जी का वो जी कोस थीटा आएगा और इस डायरेक्शन के अलोंग आपका क्या आ जाएगा जी साइन थीटा। ओके तो बेटा बिल्कुल वही डिटो केस है अभी आपको बस वेलोसिटी लिखनी है और एसेशन लिखना है अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस में नीचे लिख रहा हूं सभी चीजें अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस में बात करूं आपकी तो वेलोसिटी क्या है तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं अभी एक डायरेक्शन मेरे को लेनी पड़ेगी अलोंग द एक्स एक्सिस अगर डाउनवर्ड है तो इस डायरेक्शन को मैं मान रहा हूं पॉजिटिव और अगर ऊपर की तरफ है y एक्सिस में तो इस डायरेक्शन को मान रहा हूं मैं पॉजिटिव इसके अपोजिट होगा इस डायरेक्शन को x एक्सिस का अपोजिट तो ये होगा क्या नेगेटिव मान लूंगा और इसको मैं मान लूंगा क्या नेगेटिव। ठीक है तो अलोंग द x एक्सिस देख रहे हैं तो अगर आपका इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव मानूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा u cos अल्फा। मैंने पूछा बेटा एसेशन क्या होगा तो यहां पे आप एसेशन देख रहे हैं g sin थीटा है आपका और जो एसेशन है वो केवल इसी एक्सिस में दोनों एक्स तरफ लग रहे हैं इसी एक्सिस के अलोंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही आपका एसेशन लग रहा है प्लस जी साइन थीटा तो एसेशन की वैल्यू आएगी क्या प्लस जी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो अलोंग द वाई एक्सिस आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा यू साइन अल्फा और जो एसेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी यहां से आप देख सकते हैं वो आपकी होगी क्या माइनस जी कोस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेटा अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है पहले वाले केस और इस वाले केस में तो ओनली डिफरेंस क्या है कि उस वाले केस में ये सभी चीजें वाई एक्सिस वाली सेम चीजें थी आपकी वहां पे आप देखें कंपेयर करेंगे तो ये भी सही था ये भी सेम था यू कोस अल्फा लेकिन वहां पे एसेशन आपका नेगेटिव था अलोंग द एक्स एक्सिस लेकिन इस केस में जो एसेशन अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या है आपका पॉजिटिव है। ओके तो सिमिलरली अगर आपको फाइंड आउट करना है वही तीनों चीज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट ओरिजेंटल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको आप एक बार अपने आप से कर लीजिए पहले इसको तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वही केस रहेगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये पूरा हमको वाई एक्सिस के अलोंग लेना है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या जीरो तो ये आपका जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा है आपकी टी की जगह मैं कैपिटल टी रखूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ एसेशन अलोंग द वाई एक्सिस की जगह माइनस जी कोस थीटा इनटू टी। तो बेटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा जब आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा आ जाएगा। ओके तो ये आपका आ गया क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आएगा वो आपका एग्जैक्टली सेम आएगा एज दैट ऑफ द प्रीवियस केस टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा सेम आएगा। सिमिलरली अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम हाइट ये वाली आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो केवल अलोंग द एक्स एक्सिस होगी अलोंग द वाई एक्सिस जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी जीरो होगी। ठीक है तो मैं सेकेंड वाला कर रहा हूँ
ये वाला मैं रब कर रहा हूँ टाइम ऑफ लाइफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा तो मैक्सिमम हाइट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं सेकंड और थर्ड। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करके कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये सारा क्या होगा, वी वाई यू वाई, ये ए वाई और एस वाई होगा आपका, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे, वी वाई आपकी जीरो होगी, यू वाई आपको ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट एस वाई क्या हो जाएगा आपका, एच मैक्स के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये आपका आ जाएगा जीरो का होल स्केयर माइनस यू वाई का होल स्केयर, दैट इज यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू टू ए वाई, ए वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस जी कोस थीटा, और एच मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब आप सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी कोस थीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम हाइट का भी ऑब्जर्व किया होगा, आपका सेम ही आ रहा है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और क्या डिफरेंस रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे बेटा एच मैक्स डाल लीजिए आप, एच मैक्स। थर्ड है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हम कौन सी क्वेश्चन अलोंग द एक्स एक्सिस सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे अलोंग द एक्स एक्सिस है तो ये पूरी टर्म आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएंगी, टी की जगह क्या यूज करेंगे, यहां से यहां तक पार्टिकल कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक है। तो एस एक्स की जगह हम यूज करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमको फाइंड आउट करनी है, और टी की जगह हम कैपिटल टी यूज करेंगे। तो बेटा ये आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू आपको पता है यू कोस अल्फा है इंटू टी प्लस हाफ इंटू एस एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वो बेटा आपका है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा कोस थीटा नहीं है, जी साइन थीटा है आपका इंटू टी की जगह कैपिटल टी, इसके ये आपके आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो बेटा डिफरेंस क्या है पिछले वाले केस में, पिछले वाले केस में आपका जो एक्सप्रेशन था वो नेगेटिव था तो यहाँ पे माइनस साइन था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है प्लस साइन, तो इसका मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किस केस के अंदर, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं डाउन द प्लेन, तो जब आप डाउन द प्लेन थ्रो करते हैं तो आपकी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाती है और सभी चीजें आपकी सेम रहती हैं, ओके। तो आप इन चीजों इन सभी केसेस को एक बार अच्छे से करके देख लीजिए, कल की क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, ओके। और यहां तक अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू।